फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ऑप्शनल ज्योग्राफी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जीआईएस के बारे में कुछ बातें करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो जीआईएस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसको मैंने बेसिकली योजना मैगजीन के एक आर्टिकल से लिया है। देखिए, पर्सनली मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा है। इसका कारण है, एक तो आपको जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जैसे टॉपिक हैं, यानी कि ज्योग्राफी में जो मात्रात्मक क्रांति जैसे टॉपिक हैं, इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इसके साथ ही भारत में जीआईएस को किस तरह से प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है, किस तरह से जीआईएस भारत में गवर्नेंस को आसान बना रहा है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जीआईएस के टॉपिक को। देखिए, अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी के इस तरह के करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स को तैयार करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पेड क्लासेस की सारी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, पहले तो बात आती है कि ये जीआईएस है क्या। तो जीआईएस की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, आप अपने घर पर बैठ के ये स्विगी है, जोमेटो है, इस तरह की कंपनियों से खाने को घर पे बैठ के ऑर्डर करते हैं, तो ये जीआईएस की वजह से संभव होता है। इसके साथ ही जो आप घर में बैठ करके वेदर की रिपोर्ट देखा करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, ये भी जीआईएस की वजह से संभव होता है। देखिए, भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था मात्रात्मक क्रांति का, जिसमें भूगोल के अंदर मॉडल है, सांख्यिकी विधियां हैं, इन सब का उपयोग करना शुरू किया गया था। तो ये जो मात्रात्मक क्रांति है, इसी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है जीआईएस, यानी कि जब हम कहते हैं भूगोल में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, जीआईएस का प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में मात्रात्मक क्रांति रहती है। तो देखिए, जो हमारा जीआईएस या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है। और ये कंप्यूटर सिस्टम किस लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, इसकी मदद से डेटा को कैप्चर किया जाता है, यानी कि मान लीजिए आप जहां पर रहते हैं वहां पर कहां कहां से सड़कें निकलती हैं, कहां कहां से गलियां निकलती हैं, इस सब को कैप्चर करना ये जीआईएस के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही इस डेटा को स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि अब कैप्चर कर लिया तो फिर इसको स्टोर कर लिया गया एक जगह पे, उसके बाद इसको चेक किया जाता है और फिर आपको ये डेटा डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि आप अपने मोबाइल के ऊपर देख पाते हैं कि आपका जो फूड डिलीवरी वाला व्यक्ति है वो कहाँ पे है। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि जीआईएस के माध्यम से पहले डेटा को कैप्चर किया गया, उसके बाद इसको स्टोर किया गया, उसके बाद इसको चेक किया गया और अब इसको डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा जो एरिया का मैप है उसको देख पा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बहुत सारा डेटा एक साथ दे दूं तो शायद ये डेटा आपके लिए मीनिंगलेस हो, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक मैप देता हूं जिसके ऊपर ये दिखाया गया है कि एक एरिया में, एक क्षेत्र के अंदर कहां कहां पर सड़कें गई हैं, यानी कि स्ट्रीट वगैरह कहां कहां पे है, एक मैप में ये दिखाया गया है। फिर मैं आपको एक दूसरा मैप देता हूं जहां पर ये बताया गया है कि इस शहर में या इस क्षेत्र में घर कहां कहां पर है, उद्योग धंधे कहां कहां पर है। फिर एक तीसरा मैप मैं आपको देता हूं जहां पर ये बताया गया है कि शहर के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर हरियाली कहां कहां पे है, वेजिटेशन कहां कहां पे है। अब देखिए, आपस में ये जो डेटा आपको मैंने दे दिया, इसको आप आपस में शायद कनेक्ट ना कर पाए, ये ना देख पाए कि जो सड़कें हैं उनका घर के ऊपर, उद्योग धंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर जो वेजिटेशन है उसका घरों के ऊपर या स्ट्रीट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीआईएस आपकी क्या हेल्प करता है? जीआईएस इस पूरे डेटा को इंटीग्रेट कर देता है। यहाँ पर देखिए, एक कंप्लीट मैप आ गया जिसमें कहाँ पर घर है ये आपको दिखाई दे रहा है, वेजिटेशन कहाँ पर है ये दिखाई दे रहा है, स्ट्रीट कहाँ पर है ये आपको दिखाई दे रहा है, और इससे संभव क्या हो पा रहा है, आप इनके बीच की जो इंटर रिलेशनशिप है, जो अंतर संबंध है, वो आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि हो सकता है आपको दिखाई पड़े कि जहां से राजमार्ग होकर के निकलता है वहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा प्रमुखता से होते हैं, या फिर आपको ये दिखाई पड़े कि जहां पर हरियाली ज्यादा होती है वहां पर लोग अपना घर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यानी कि क्या है, पहले जो डेटा आपको आपस में जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था, उनके बीच की जो डॉट्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो डेटा है इसके इसमें जो स्पेशियल पैटर्न है, देखिए ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो इसमें जो एक स्थानिक आपको पैटर्न दिखाई देता है,
ये पैटर्न आपके सामने क्लियर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज का पैटर्न क्लियर हो गया, हाउसेस का पैटर्न क्लियर हो गया। और ये क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि ऐसा डेटा जो पहले आपस में अंतर संबंध नहीं रखता था, उसको आपने जीआईएस की मदद से इंटीग्रेट कर दिया, और इन सभी के बीच के जो अंतर संबंध हैं उसको आपने आसानी से समझ लिया। तो यहाँ पर देखिए, यही एग्जाम्पल सेम दिया गया है, जो ये आपके सामने फिगर है इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या होता है कि जो जीआईएस है इसकी मदद से जो बहुत अलग अलग तरह का डेटा होता है उसको आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि आपस में जोड़ा जा सकता है। और इससे क्या होता है, जो अलग अलग स्थानिक अवस्थितियां हैं, यानी कि जो अलग अलग स्पेशियल लोकेशंस हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो स्थानिक अवस्थिति है या स्पेशियल लोकेशन है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि एक कह लीजिए ऑर्डर में, एक क्रम में ला सकते हैं। और इससे क्या है फिर कि आप जो मैप है, 3D विजुअलाइजेशन है, इस सब का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जो हमारा एशिया पैसिफिक का क्षेत्र है, ये जीआईएस की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जो हमारा न्यू इंडिया है, यानी कि जो हमारा वर्तमान का भारत है, ये शायद एक जीआईएस के हब के रूप में उभरेगा। यानी कि यहाँ पर जो भविष्य है, भविष्य में जीआईएस का बहुत ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होगा। वर्तमान की अगर बात करें तो जो वर्तमान में जीआईएस है, इसका हेल्थ केयर डिलीवरी में यूज हो रहा है। इसके साथ ही जो सामाजिक आर्थिक विभेद है भारत में, इसको दूर करने के लिए भी इसका जीआईएस का उपयोग हो रहा है। और इसके साथ ही लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, यानी कि जो जीवन की गुणवत्ता है, इसको सुधारने के लिए भी जीआईएस का उपयोग हो रहा है। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी के पेपर का एक हिस्सा भी है, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, इसके साथ ही जो जीआईएस है, इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनको आपको निश्चित रूप से अपने पास नोट कर लेना चाहिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत मैप है, तो भारत मैप से क्या किया जा रहा है, जो गवर्नेंस है उसको अच्छा करने के लिए, इसके साथ ही अच्छी प्लानिंग करने के लिए, जो योजनाएं हैं इनकी अच्छी मॉनिटरिंग करने के लिए, इस सब के लिए जो हमारा भारत मैप है, इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, भारत में आप जानते हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, इसकी व्यवस्था लाई गई है, यानी कि फसलें जो है इनका इंश्योरेंस प्रदान किया गया है। तो इस इंश्योरेंस के लिए अब जाहिर सी बात है, जो फसलें हैं उनकी निगरानी रखनी पड़ेगी। तो यानी कि लैंड की क्वालिटी कैसी है, किसी जगह पे भूमि की गुणवत्ता कैसी है, आर्द्रता की मात्रा कितनी है, इसके साथ ही वहां का मौसम कैसा रहता है, फसल की हेल्थ कैसी है, यानी कि फसल का स्वास्थ्य कैसा है, इन सब चीजों की निगरानी करने के लिए जो कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो जीआईएस का उपयोग कर रही हैं। इसके साथ ही भारत का जो डिफेंस का प्रोग्राम है, जो स्पेस का प्रोग्राम है, इस सब में भी जीआईएस का खूब प्रयोग हो रहा है। जैसे इंटेलिजेंस हो गया, सर्विलांस हो गया, इन सभी चीजों के लिए जीआईएस का उपयोग हो रहा है। अगर अभी भारत की बात करें, तो भारत के जो बाजार है इसमें सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है जीआईएस का गवर्नेंस में। इसके बाद टेली कम्युनिकेशन में भी जीआईएस का खूब उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही जो वेस्ट मैनेजमेंट है, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, तो वेस्ट मैनेजमेंट में जीआईएस का बहुत अच्छे से उपयोग हो रहा है। और जहां पर सीबीडी वगैरह का टॉपिक आए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वगैरह का टॉपिक आए, तुरंत आप बता दीजिए कि सीबीडी में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए हम जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या है दिल्ली जैसे शहरों के सीबीडी में, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ने अभी जीआईएस का इस्तेमाल किया, और इसकी मदद से बहुत सारी, देखिए जो ऐसी जगह थी जहां पर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, उनकी पहचान संभव हो पाई, अलग अलग जगहों पे किस तरह की सर्विस चाहिए है इसको बता पाना संभव हो पाया। यानी कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जीआईएस की मदद से। कोविड-19 की महामारी के समय जो डिसीजन मेकिंग करना थे, यानी कि जो निर्णय लेना थे, इसमें विश्लेषण के एक टूल के रूप में जो जीआईएस है ये हमारे सामने आया। इसके साथ ही देखिए, जो भारत में इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मैपिंग है,
इसमें भी जीआईएस का उपयोग हो रहा है। देखिए इससे क्या हो पाता है, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मैपिंग से क्या होता है, मान लीजिए भारत में कोई उद्योग लगाना चाहता है, अब वो जानना चाहेगा कि पहले तो भूमि कहाँ पर उपलब्ध है, इसके साथ ही जो भूमि है वहां पर उसको कौन कौन से संसाधन मिलेंगे, इसके साथ ही किन किन जगहों से वो आसानी से कनेक्टेड होगा, यानी कि जो रोड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर जाती हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो निवेशकों को बहुत आसानी से प्रदान की जा रही है भारत में, ये जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मैपिंग की गई है इसकी मदद से। देखिए जो हमारी औद्योगिक भूमि की मैपिंग की गई है, इसको जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं या फिर कह लीजिए जो वैश्विक स्तर के निवेशक हैं, उनके लिए एक रेड कारपेट बताया गया है। रेड कारपेट क्या होता है, जब आप किसी का स्वागत करने के लिए एक लाल कालीन बिछा देते हैं, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मैपिंग एक इसी तरह की लाल कालीन है जो कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनका स्वागत करती है। तो इससे क्या मदद होती है कि पहली बात है कि इंडस्ट्रियल लैंड कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है ये पता चल जाता है, और इसके साथ ही उस भूमि के ऊपर कौन कौन सी सुविधाएं हैं ये भी पता चल जाता है, जैसे कि वहां पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको पता चल जाएगा, रिसोर्स कौन कौन से अवेलेबल है ये पता चल जाएगा, कहाँ कहाँ से स्थान कनेक्ट है ये पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मैपिंग है, जीआईएस की वजह से ये इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मैपिंग संभव हो पाई, और इसकी मदद से जो भारत में इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने में मदद मिल रही है। तो ये देखिए जीआईएस की बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई, जब आप क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टॉपिक पे कुछ लिख रहे हैं या फिर डायरेक्टली आपसे जीआईएस के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो आप इन चीजों की मदद से अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं।